नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में अपने दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, समीर वानखेड़े की जांच पर दिए मीडिया के सवालों के जवाब। नागपुर में नाबालिग से देह व्यापार कराने का मामला हुआ उजागर, सगी मां ने ही अपनी बेटी का सौदा किया था 20 लाख में। और शिवसेना का मनपा में जोरदार हंगामा, कचरा वर्गीकरण में भूमि पुत्रों को रोजगार देने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील गुरुवार शाम को नागपुर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में शिरूर और औरंगाबाद की घटनाओं पर जानकारी देते हुए मीडिया के सवाल के जवाब भी दिए। गृह मंत्री ने एनसीबी के समीर वानखेड़े पर उठाए जाने वाले सवाल पर भी अपने विचार साझा किए। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं जरूर उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूँगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। औरंगाबाद आणि शिरूरच्या ज्या दोन घटना आहेत त्या अत्यंत गंभीर आहे, चौकशी सुरू आहे, मात्र आपण काही डेडलाईन दिलेली आहे काय पद्धतीचे आदेश दिले सध्या? नाही, आदेश त्याच्यामध्ये हेच दिलेले आहेत की लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये जे कोणी आरोपी आहेत ते शोधले गेले पाहिजे। औरंगाबादच्या घटनेमध्ये बिडकिनला जी घटना घडली ती अतिशय गंभीर अशी घटना आहे, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा आरोपी शोधले जाते आणि शरीरचे सुद्धा आरोपी शोधले जाते। सगी मां ने अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यवसाय की दलदल में ढकेल दिया। रिश्तेदार की मदद से उसे 20 लाख रुपए में मुंबई के दलाल को बेच दिया। लगातार 4 वर्षों से वह हवस का शिकार बनती रही। आखिर उसकी दादी ने ही मदद की और लड़की हिम्मत कर पुलिस स्टेशन पहुंची। लकड़गंज पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर उसकी मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में सगी मां ने किशोरी को देह व्यवसाय के लिए अपने रिश्तेदार के हाथों सौंप दिया। उसे डांस बार में नाचने के लिए मुंबई ले जाया गया। वह काम करने की इच्छुक नहीं थी, इसीलिए वापस गांव में छोड़ दिया गया। एक वर्ष बाद मां ने रिश्तेदार की मदद से उसे 20 लाख रुपए में देह व्यवसाय करने वालों को बेच दिया। जबरन किशोरी से देह व्यवसाय करवाया गया, यातनाएं दी गई, लेकिन फायदा नहीं होने के कारण रिश्तेदार ने उसे वापस घर छोड़ दिया। वर्ष 2020 में रिश्तेदारों ने फिर उसे नागपुर में चकला घर चलाने वाली महिलाओं को बेच दिया। महिला उससे जबरन देह व्यवसाय करवाती थी, भोजन में नशे की गोलियां दी जाती थी। 16 वर्ष के होने के बावजूद उसे इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उसकी उम्र और शरीर बड़ा लगे। इसी वर्ष एक ग्राहक की मदद से वह गंगा जमुना से भाग निकली और अपने गांव चली गई। कुछ दिन उसे अपने पास रखने के बाद मां ने फिर उसे बेचने की तैयारी कर ली, लेकिन इस बार पीड़िता की दादी ने उसे हिम्मत दी, चुपचाप घर से भाग जाने को कहा। पीड़िता और उसके 4 वर्षीय भाई को बस में बैठा कर नागपुर रवाना कर दिया। नागपुर पहुंचने के बाद पीड़िता सीधे लकड़गंज पुलिस स्टेशन गई। वहां पुलिस को अपने ऊपर हुए अत्याचार की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता और उसके भाई को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। भाजपा प्रशासन मुर्दा बंद, मुर्दा बंद, मुर्दा बंद, बंदू रोक के सम्मान महानगर पालिका मुख्यालय में उस समय कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही जब शिवसेना ने रैग पिकर को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में महानगर प्रमुख प्रमोद वानमोड़े और शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल का मानना था कि भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में कचरे से कबाड़ अलग कर आजीविका चलाने के लिए मनपा द्वारा 400 रैग पिकर को अधिकृत किया गया, किंतु अब बायोमाइनिंग के नाम पर इसी तरह की प्रक्रिया करने के लिए जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी टेंडर जारी किया गया। कंपनी की ओर से बाहरी लोगों को लगाकर ये काम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय रैग पिकर रोजगार से वंचित रह रहे हैं। अतः भूमि पुत्रों को रोजगार देने की मांग उन्होंने की। चर्चा के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि शहर का कचरा भांडेवाड़ी में जमा किया जाता है,
जिसमें से कचरे पर प्रक्रिया करने से पहले उससे कबाड़ अलग किया जाता है। इसके बाद बायो माइनिंग भी आसान होती है। यही कार्य रैक पिकर करते हैं। कबाड़ चुनकर इसके सहारे कई परिवारों की आजीविका चलती है। किंतु कचरा संकलन करने वाली बीवीजी और एजी एनवायरो कंपनियों द्वारा पहले ही कचरे से कबाड़ चुनकर बेच दिया जा रहा है, जिससे रैक पिकर्स की आजीविका खतरे में पड़ गई है। कचरा संकलन कंपनी को ये कार्य प्रणाली बंद करने के सख्त निर्देश देने की मांग महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी से की गई। चर्चा के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि बदबूदार कूड़े में कार्य करने के कारण इन लोगों और परिवारों पर स्वास्थ्य का खतरा मंडराता रहता है। महानगर पालिका की ओर से इन्हें सुरक्षा किट मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही प्रति माह सभी का मेडिकल चेकअप करने की मांग भी की गई। चर्चा के उपरांत मनपा आयुक्त ने डॉक्टर गजेंद्र महल्ले को सभी मांगों पर तुरंत अमल करने के निर्देश दिए। भांडेवाड़ी वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अधिकृत तकरीबन 500 रैक पिकर, जिनको कचरा चुनने वाला बोलते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं जो 3 दशकों से काम करते हैं। उनके दादा, उनके पिताजी और वो खुद काम कर रहे हैं, जो कि कचरे विलगीकरण में सहायता करते हैं और शहर को स्वच्छता बिना किसी मजदूरी के, उनको नागपुर महानगर पालिका ने ऑथराइज किया हुआ है। ऐसे लोगों को जो सिग्मा बायो माइनिंग कंपनी है जो कचरे का डिकम्पोजिशन करती है, उस कंपनी ने कुछ लोगों को प्राइवेट बाहर प्रदेश के लोगों को रखा है। ऐसे में जो सरकार का नियम है भूमि पुत्रों को रोजगार देने का, तो इन व्यक्तियों को, इन रैक पिकर्स को वहाँ पर लिया जाए, पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये है कि वो गंदे में कम से कम वहाँ पे कचरे डंप में लगातार 10 घंटा काम करते हैं। ऐसे रैक पिकर्स का मेडिकल हेल्थ चेकअप नियमानुसार 1 महीने बाद किया जाए। वो लोग खाली हाथ रहते हैं, उनकी वजह से वो इन्फेक्टेड होंगे, उनका परिवार इन्फेक्टेड होगा। गंदे कचरे में काम करते हैं जीविकापार्जन चलाने के लिए, तो उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट दी जाए। और एजी और बीवीजी जो कचरा संकलन कंपनियाँ हैं, ये कचरे को पहले से उसका कबाड़ चुनकर उसको बेचकर उसके कामगारों द्वारा बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जीविकापार्जन खतरे में है। तो महापौर मनपा आयुक्त और जो डॉक्टर महल्ले साहब हैं यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि उन कंपनियों को, कचरा संकलन कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि शहर का मूल कचरा, वास्तविक कचरा डंप में इकट्ठा हो। इस प्रकार से इस पूरे विषय को रखें कि जिसको शहर से स्वागत किया है मनपा आयुक्त साहब ने, भी दादा कृष्णन साहब ने इस पर बहुत पॉजिटिविटी जताई है। तुरंत मेडिकल हेल्थ कैंप कल से शुरू हो जाएगा उन बच्चों का। तुरंत उनको किसी एनजीओ के माध्यम से, बाकी माध्यम से उनको पीपी किट देने का आश्वासन हो गया और सभी चीज़ों की मांग ली गई है। वहाँ पर इनके प्रतिनिधि भी थे जो रैक पिकर्स थे, और ये डेलीगेशन आदरणीय मानमुड़े जो महानगर प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में, आदरणीय दुष्यंत चतुर्वेदी जी के साथ और नगर सेविका मंगला गौरे जी नागपुर महानगर में, इनकी उपस्थिति में किया गया। नहीं देखिए, कुछ भी नहीं हुई है। जब इतना रोष होता है तो सबसे पहले तो प्रशासन के अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि जब हम कचरे के व्यक्तियों को यहाँ लेकर आए हैं शांति से डेलीगेशन के लिए, तो पुलिस ने भी रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो है तो हम कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे। पारडी फ्लाईओवर गिरने की घटना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय एक्शन में आ गया है और ठेकेदार कंपनी DGCL के प्रोजेक्ट इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारी को भी 3 माह तक प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी प्रोजेक्ट से हटाकर नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ताकि जांच में निष्पक्षता बनी रहे। इस बीच केंद्रीय कार्यालय से अधिकारी आकर साइट का मुआयना कर चुके हैं और जल्द ही अन्य टीमें भी पहुंचने वाली है, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। क्षेत्रीय अधिकारी राजीव जायसवाल ने बताया कि GDCL के प्रोजेक्ट मैनेजर विजय अहिर को 1 वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अहिर अब NHAI के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सलाहकार कंपनी लासा के विपुल चक्रवर्ती को भी प्रोजेक्ट से 3 माह के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने बताया कि NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर येवतकर को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है और नरेश वेडटवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इसी बीच केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ निदेशक विजय गुप्ता दिल्ली से पहुंचे और साइट का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया। बताया जाता है कि 1-2 दिनों में 2 और विशेषज्ञों की टीम आ रही है जो दौरा करेगी। दौरे की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हुड़केश्वर और प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 2 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए। एक को क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के नाम पर तो दूसरे को नौकरी दिलाने के नाम पर चूना लगाया गया। हुड़केश्वर पुलिस ने अन्नपूर्णा हाउस सोसाइटी पीपला रोड निवासी मिलिंद बालकृष्ण महाजन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलिंद को SBI द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कार्ड का पिन जनरेट नहीं किया था। 14 अक्टूबर की दोपहर अज्ञात आरोपी ने उन्हें फोन करके बताया कि वह SBI के क्रेडिट कार्ड विभाग से बोल रहा है। उसने पिन जनरेट करने के लिए मिलिंद के नंबर पर एक लिंक भेजी,
जैसे ही मिलिंद ने लिंक ओपन की उनके खाते से 96,235 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। दूसरी घटना प्रताप नगर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने शिवनगर झोपड़पट्टी खामला निवासी सागर कैलाश चिरखारे की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अज्ञात आरोपी ने सागर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, उन्हें जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। एप्लीकेशन के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर उनसे खाते की डिटेल्स ली और 141,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने दोनों घटनाओं में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा बालाजी नगर में स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। नागपुर महानगर पालिका बाबुलखेड़ा नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शासकीय दंत महाविद्यालय व अस्पताल के सहकार्य से बालाजी नगर के गजानन मंदिर में दंत चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। इस दौरान मनपा के सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, धंधौली जोन सभापति वंदना भगत, नगर सेविका भारती बुंडे, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, सहायक वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी उपस्थित थे। महापौर के संकल्पना से वे आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत संपूर्ण शहर में 75 स्वास्थ्य शिविर लिए जा रहे हैं। नागरिकों ने इसका लाभ लेना चाहिए। इस शिविर का भी बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इस दौरान निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्किटेक्ट एकनाथ निमगढ़े हत्या प्रकरण में कई बड़े लोगों के शामिल होने के कारण इसकी ठीक से जांच नहीं किए जाने तथा सीबीआई से जांच कराने की मांग कर उनके पुत्र अनुपम निमगढ़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने जांच से संतुष्टि जताते हुए इसे सेफ कस्टडी में सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश रजिस्ट्रार जुडिशियल को दिए। उल्लेखनीय है कि गत समय भी सीबीआई की ओर से 29 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी गई थी। जांच के दौरान सीबीआई को कई अहम सुराग मिलने के कारण जांच के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किए जाते ही अदालत ने समय प्रदान किया था, साथ ही जांच रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि मामले की तह तक जाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है, उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जनवरी 2022 तक रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है। सीबीआई की ओर से खुलासा किए जाने के बाद अदालत ने इस मामले की रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब में अटकी होने पर आगाह करते हुए जल्द प्रक्रिया तेज करने के आदेश भी दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही प्रेषित की जाए, साथ ही इसे सेफ कस्टडी में रखने तथा हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी को भी इसे खोलने की अनुमति नहीं देने के भी सख्त आदेश दिए। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग की ओर से पंचायत समितियों के माध्यम से दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाली बैटरी चलित ट्राईसाइकिल के वितरण और खरीदे में भारी घोटाला सामने आया है। पूर्व जिला परिषद सभापति व वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष हर्षवर्धन निकोसे ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए इसमें लिप्त अधिकारियों व पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग सीईओ योगेश कुंभेजकर से की है। पूर्व जिला परिषद सभापति हर्षवर्धन निकोसे ने बताया कि पंचायत समिति पारशिवनी के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को बैटरी पर चलने वाली ट्राईसाइकिल वितरण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी की ट्राईसाइकिल में बिठाकर उनकी तस्वीरें ली गई और उसकी अनुदान की रकम 40,130 रुपये प्रति ट्राईसाइकिल के हिसाब से पंचायत समिति उपसभापति चेतन देशमुख के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पार्षदीय बीडीओ उपसभापति ग्राम सेवक प्रक्रिया करने वाले पंचायत समिति के दिव्यांग विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत है। निको सेन ने बताया कि उन्होंने सीईओ को जून महीने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन जिला परिषद समाज कल्याण अधिकारी बाबा साहेब देशमुख ने झूठी जांच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी। पंचायत समिति के घोटालेबाजों द्वारा लाभार्थियों का चयन करते समय उन्हें बताया गया था कि उन्हें अच्छी बैटरी ट्राईसाइकिल दी जाएगी, लेकिन उन्हें हमारा कहना मानना होगा। कुछ लाभार्थियों को भय दिखाकर बाध्य किया गया। एक अच्छी क्वालिटी की ट्राईसाइकिल पंचायत समिति में लाकर सभी लाभार्थियों को उस पर बिठाकर तस्वीरें खींच ली गई। ग्राम सेवक ने उनके फोटो पर दस्तखत किए। लाभार्थियों का अनुदान मंजूर कर उनके खाते में ट्रांसफर किया गया, फिर ग्राम सेवक की मदद से उपसभापति चेतन देशमुख के पास जमा हुआ। उन्होंने खुलासा किया कि लाभार्थी अनूप हरिराम लोखंडे का अनुदान चेतन देशमुख के खाते में ट्रांसफर किया गया। सबूतों के साथ शिकायत की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मेडिकल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लिया गया था, साथ ही भूषण सिंह ने और अन्य की ओर से याचिकाएं भी दायर की गई थी। इन पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत मित्र ने मेडिकल में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित करने के लिए चल रही लचर कार्य प्रणाली पर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने 28 अक्टूबर की दोपहर 2:30 बजे हाफकिंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के डॉक्टर विलास बाविस्कर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के संचालक तथा मेडिकल के डीन को स्वयं या उनके प्रतिनिधि को अदालत में हाजिर रहने के आदेश जारी किए। अदालत मित्र ने बताया कि मेडिकल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार हाफकिंस कंपनी को 16 करोड़ रुपये अगस्त 2019 में आवंटित किए गए, किंतु अब तक खरीदी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। 3 वर्षों से निधि पड़ी होने और खरीदी नहीं होने से निधि वापस जाने का खतरा है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से निधि वापस जाने की संभावना को दरकिनार किया गया, लेकिन अदालत ने हाईकोर्ट की अनुमति के बिना यह निधि कहीं अन्य खर्च नहीं करने तथा निधि वापस नहीं होने के आदेश भी दिए। अदालत मित्र ने कहा कि यदि मेडिकल में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित होता है तो मध्य भारत में ये एकमात्र अत्याधुनिक सुविधा होगी। अदालत का मानना था कि इससे लाखों लोगों को सुविधा मिल सकेगी, साथ ही युवा सर्जन पीढ़ी को भी इसका लाभ होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि हाफकिंस की ओर से सरकारी वकील को पत्र भेजा गया है, जिसके अनुसार उसने खरीदी के लिए 3 बार टेंडर जारी किए, किंतु तकनीकी कारणों से खरीदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। हाफकिंस, DMIR और मेडिकल जैसी 3 एजेंसियां जब तक एक साथ मिलकर समस्या पर चर्चा नहीं करती, तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता। अदालत ने हाफकिंस, मेडिकल के डीन और सर्जरी विभाग प्रमुख डॉक्टर गजबिये को बैठक लेने के आदेश दिए, साथ ही बैठक में होने वाली चर्चा और लिए गए निर्णय की जानकारी प्रेषित करने के आदेश भी दिए। मंडल स्तर पर रेल यात्री समस्याओं के निराकरण, सुविधाओं में वृद्धि आदि के संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की उपस्थिति में नागपुर मंडल संसदीय क्षेत्र के सांसदों व उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक हुई। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महाप्रबंधक आलोक कुमार से क्षेत्र की रेल यात्री सुविधाओं व शिकायतों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में नागपुर सांसद व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक प्रवीण दटके, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, गोंदिया भंडारा सांसद सुनील मेंढे सहित अन्य सांसद व उनके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष व ऑनलाइन VC के माध्यम से उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से नागपुर नागभीड़ रेल लाइन के आमान परिवर्तन और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तेजी से पूर्ण करने, रामटेक से खापा नई रेल लाइन के सर्वेक्षण, रामटेक तिरोडी तारसा नई रेल लाइन, छिंदवाड़ा में तत्काल एक पिट लाइन का निर्माण करने की मांग रखी गई। वहीं गोंदिया रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण व अत्याधुनिक बनाने हेतु नियोजन, मंडला को बिलासपुर एवं नागपुर रेल मार्ग से जोड़ने, नैनपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण, मंडला स्टेशन से ट्रेनों के नियमित परिचालन पर भी चर्चा हुई। सांसदों व उनके प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की रेल यात्री सुविधाओं, स्टॉपेज आदि के संदर्भ में भी मुद्दे विस्तार से रखे। आलोक कुमार ने बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों एवं विकास कार्यों में से मुख्यालय स्तर के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करने तथा बोर्ड स्तर के कार्यों को स्वीकृत के लिए मंत्रालय भेजने के प्रति आश्वस्त किया। उप महाप्रबंधक तन्मय माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। त्योहारों के आगमन के साथ एक बार फिर विमान किराए में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कोविड के मामलों में कमी के साथ जहां एक और एयरलाइन सभी रूट्स पर विमान सेवाएं शुरू कर रही है, तो दूसरी ओर त्योहारों पर घर जाने वालों के अलावा छुट्टियां मनाने बाहर जाने वालों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसका असर विमान टिकटों की कीमतों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा फ्यूल महंगा होने का भी असर टिकटों की कीमत में दिखाई देने लगा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने एयरलाइंस को 100% क्षमता के साथ उड़ानों के संचालन की अनुमति देने से कीमतों पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।
शहर से विभिन्न रूट्स पर विमान किराए में अभी से वृद्धि देखने मिल रही है। छुट्टियों में सबसे ज़्यादा व्यस्त जाने माने वाले पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और गोवा के लिए टिकटों के दाम पर फर्क दिखाई दे रहा है। मसलन यहां से पुणे के लिए 30 अक्टूबर के बाद टिकट के दाम 4,500 रुपये से शुरू है, तो इसी तारीख पर वापसी के टिकट 9,600 रुपये है। ऑरेंज सिटी के लिए दिवाली में इस रूट पर टिकटों की सबसे ज़्यादा मांग होती है। नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विदर्भ और मध्य भारत के युवा पुणे में रहते हैं। बताया जाता है कि फिलहाल रनवे मरम्मत का काम शुरू होने के कारण पुणे एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हैं। यहां 29 अक्टूबर से शुरू होगी। यहां से मुंबई के लिए अभी 4,000-5,000 की रेंज में टिकट मिल जाएगा। 4 नवंबर के लिए अभी रेट 4,600-6,700 रुपये व 6 नवंबर के लिए 5,000-9,500 रुपये बताए जा रहे हैं। दिल्ली के लिए विमान किराया दिवाली तक 5,700-5,800 की रेंज में है। इस समय हैदराबाद के लिए भी टिकटों के दाम आसमान पर है। 25 अक्टूबर तक विमान किराया 8,000 रुपये है। 26 से ये कम होकर 4,800 की रेंज में बताया जा रहा है। गोवा के लिए अभी न्यूनतम 6,200 रुपये में टिकट मिल जाएगा। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।